हेलो फ्रेंड्स, पेपर ख़त्म, फीलिंग रिलैक्स्ड। मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे मेजॉरिटी के पेपर ख़त्म हो गए, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट साइक्लोन कुछ बेचारे अभी हैं गुजरात साइड जिनके अभी पेपर्स फिनिश नहीं हुए। कोई नहीं, दे विल ऑल्सो टेक देयर एग्ज़ाम वेरी सून, नॉट एन इशू। अब सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं, यार सर पेपर ख़त्म हो गया, अब करें क्या। कई स्टूडेंट्स कहते हैं सर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दो, सर कुछ तो बताओ, अब 2 महीने हैं रिजल्ट में, करें क्या। देखो पढ़ाई बहुत कर ली, टेंशन ना लो, जितनी करनी थी कर ली। हाँ, अगर आपने एक ही ग्रुप दिया है सो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट स्टडिंग फॉर अदर ग्रुप्स इन फ्यू डेज। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं अभी बताता हूँ उनके बारे में। पहले उनको ले लूँ जिन्होंने दोनों ग्रुप दिए हैं, क्योंकि वो तो बेचारे पूरी तरह खाली हो गए ना। तो अगर आपने बोथ ग्रुप दिए, आप पूरी तरह खाली हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल रिलैक्स। कैसे गए पेपर, भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। अरे अच्छे गए बुरे गए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जो होना था हो गया, अब आपके हाथ में तो नहीं है, अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। मान लो अब कि आपका CA क्लियर हो गया, मान लीजिए, बिल्कुल अपने आप को यह मान के चलिए दैट यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ। आपको सॉल्यूशंस वगैरह मैं वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, वो आराम से देख लेना, कोई जल्दी नहीं है। मेरा सजेशन तो रहेगा आपका जब रिजल्ट है तब देखना, वो भी जिसका नेगेटिव हो वो देखना, जिसका पॉजिटिव हो वो देख के करेगा क्या। मन में क्यूरियोसिटी होती है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर कैसा होना चाहिए था, उसका कैसा होना चाहिए था, मैंने ये तो नहीं कर दिया वो तो नहीं कर दिया, लेकिन इस क्यूरियोसिटी का फ़ायदा क्या, कोई फ़ायदा है। हाँ, जिनका अटेम्प्ट अभी नहीं है, जिन्होंने नहीं दिया उनके लिए होता है सॉल्यूशंस वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह, या जो बेचारे अनफॉर्चुनेट रहते हैं। आपके लिए थोड़ी है, आप तो CEO, मैं टेंशन लगा ही नहीं रहा, ले ही नहीं रहा। मेरे हिसाब से तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, अपने नेम के आगे प्रीफिक्स लगाने की आदत डाल लीजिए, अभी लिखिएगा नहीं, अनएथिकल है। जब भी आप मेंटली सोच लीजिए बस बनने ही वाले हैं, क्योंकि एनी हाउ अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अब खाली हैं, ऑफिस में थोड़ा बहुत काम होगा अगर ऑफिस बचा है, अदरवाइज हम पूरी तरह 2 महीने खाली हैं तो करें क्या। तो याद रखिए, आप अपना रेज्यूमे बनाइए, बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम लोग रेज्यूमे में देखते हैं। कोई भी मैं बहुत ऑर्डिनरीली गलतियाँ देखता हूँ, जैसे रेज्यूमे के ऊपर लिखा होगा करिकुलम विटे या रेज्यूमे लिखा होगा, तो ऐसी गलती नहीं करिएगा, ऊपर हमेशा नेम होना चाहिए आपका। ऐसे बहुत बेसिक्स एरर है, कई तो मैंने देखा है स्पेलिंग मिस्टेक्स आती हैं। जितने आपको मैं बताऊं, कंपनीज में मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं यार कई बार तो कई स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऐसे आ जाते हैं जिनकी ना प्रेजेंटेशन, जिनकी मतलब बुरा लगेगा लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक भर के रेज्यूमे में, ऐसी छोटी छोटी गलती। अरे मैंने गलती कर दी थी, दूसरे का क्या कहूँ। मैं जॉब कर रहा था ICICI बैंक में, मेरे शूज़ फट गए। अब मैंने क्या किया, सुबह के टाइम देखा कि शूज़ फटे हुए हैं, मैंने अब फटे हुए शूज़ पहन के कौन जाए ऑफिस, मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चला गया, टाई वगैरह पहन के नीचे स्पोर्ट्स शूज़। अब इडियोटिक हरकत है या नहीं, लॉजिकली सोचो, इडियोटिक हरकत है या नहीं। और मेरे को आज तक याद है, देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी थी। और ये हरकत आपको कोई मुंह पे नहीं बोलेगा कि देखो आप बेवकूफ़ हो, कहीं ना कहीं आपको मालूम होना चाहिए कि कोई ना कोई आपको देख ज़रूर आए और फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं से उसके बारे में कोई बात सुनने को ज़रूर मिलेगी। तो अपनी प्रेजेंटेशन पे बहुत वर्क करके, कैसे शर्ट्स होनी चाहिए, ट्राउज़र्स कैसे होने चाहिए, लाइट कलर शर्ट, डार्क कलर ट्राउज़र्स, ये सब इंटरव्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन, आपको इन सब के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अरे 2 महीने हैं, GMCS करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, निपटाओ ने जो कुछ कर सकते हो, मतलब आप ऑफिस के अपार्ट जो खाली टाइम अगर ऑफिस है तो उनको यूज़ करो। आप ये TV में अभी ज़्यादा मत लगो, नेटवर्क बनाओ। कैसे बनेगा नेटवर्क, अरे बड़ा आसान, कुछ नहीं तो लाइब्रेरी में जाके बैठो, दोस्त बनाने शुरू करो, वहाँ से दोस्त बनाते बनाते आपको अल्टीमेटली समझ में आएगा किसका कौन कहाँ पे लिंक है। अपने जितने रिलेटिव हैं सबकी लिस्ट निकालो, सबकी लिस्ट निकालो, देखो कितने लोग जॉब में हैं, देखो जिन इन कंपनीज़ में वो जॉब में है या उनके दोस्त जिन इन कंपनीज़ में जॉब में है, क्या वहाँ पे CA की रिक्वायरमेंट्स हैं। आप क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द चंक गोज फॉर जॉब, दैट्स अ फैक्ट। सो और आप भी जानते हैं कि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट
सिचुएशन nowadays टू गेट अ गुड जॉब. तो आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी. ये मत सोचिए कि आप कोई ब्लेस्ड हैं कि आप पहुंचे इंटरव्यू ने कहा अरे आप ही का तो वेट कर रहे थे, इतने दिन से कहां थे, ओ आइए आइए बैठिए ना. ऐसा तो नहीं होगा ना. तो फिर सिंपल बात है सब. क्योंकि देखो मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, ऐसा होता है रेफरल बेनिफिट्स होते हैं कंपनीज में, हमें पता ही नहीं होता कंपनीज के अंदर जॉब्स हैं. सच बोल रहा हूँ, पता ही नहीं होता. वहां पे आप पता करेंगे किसी स्टाफ से तो वो बताएगा अरे रेफरल जॉब्स निकली पड़ी हैं, और वहां के एम्प्लॉयज आपको रिकमेंड कर देंगे. तो अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो वो एम्प्लॉय भी अर्न करेगा और आपको भी जॉब मिल गई, उसको भी रेफरल बेनिफिट मिलता है. तो रेफरल के लिए पूरा नेटवर्क खोल डालिए अपना. लिंक्डइन जैसी चीज़ों को यूज़ करिए, या फेसबुक वेसबुक बंद कर दो, या यूट्यूब अब बंद कर दो. क्या मिलेगा तुम्हें यूट्यूब पे? हाँ, यूट्यूब पे आप देखिए कैसे इंटरव्यू दें, क्या हमारे ग्रुप डिस्कशंस के अंदर किस तरीके से हमें टॉपिक को लेके चलना चाहिए. जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर सबसे पहले बोलिए या सबसे आखिर में बोलिए. अगर इन दो टाइम्स में आपने बोला तो आपको बहुत एडेड एडवांटेज होगी. तो इन दो स्लॉट्स को थोड़ा ज़्यादा क्रूशल माना जाता है. देखिए आपको पता है मैं सिर्फ कंटेंटफुल बातें करता हूँ, मैं बेकार की कहानी नहीं करता कि कहानी करके निकल जाऊँ और आपको कहूँ कि आप कहोगे वाह सुहानी कहानी सुना दी. सुहानी नहीं, यू नीड टू डेफिनेटली स्वेट अगेन टू गेन अ ग्रेट जॉब. मजाक नहीं कर रहा हूँ. और ये मत सोचिएगा बिग फोर्स वाले आपको नहीं चूज कर सकते, कि ये लोग नहीं चूज कर सकते, कि वो लोग नहीं चूज कर सकते. सब जगह पता करो, सबका हो जाता है, सब जगह हो जाता है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस आपको ये पता होना चाहिए. हाँ, कैंपस के भरोसे मत रहना. बहुत सारे हमारे दोस्त बैठे होते हैं कि कैंपस के थ्रू जाएंगे, बिल्कुल नहीं. रेज्यूमे में आज से लिखना शुरू करोगे तो 2 महीने लगेंगे सिर्फ आपको ये समझने के लिए कि आपको क्या लिखना है रेज्यूमे में. अदरवाइज क्या है, आपसे पूछा जाए आपका रेज्यूमे फिल करना है तो आप क्या बनाओगे? मैं भी सीए, मेरा पड़ोसी भी सीए, दोनों गए जॉब के लिए, किसको चूज किया जाए बताओ भाई? उसके सामने, इंटरव्यूअर के सामने तो सिर्फ रेज्यूमे आ रहा है, अभी तो आप आए भी नहीं. आपको बुलाएगा, अब वो किसको बुलाए? जिसका रेज्यूमे अच्छा है, वो तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है. उसके ऊपर आपको 2 महीने सोचना पड़ेगा एक एक चीज कि आपके अंदर क्या अच्छाई है, आप क्या, आपके अंदर क्या बेनिफिट्स हैं. मतलब आप बेसिकली लोग आपसे कब इंप्रेस होते हैं, और हर किसी से कुछ ना कुछ यार, किसी ना किसी के अंदर कोई ना कोई अच्छाई होती है और कमियां भी होती हैं. तो उनको जेन्युइनली लिखिए, जो आपकी जेन्युइन चीज़ें सब लिखिए, कोई बात नहीं. हाँ, आपको रेज्यूमे 1 पेज मैक्सिमम पहुंच जाए तो 2 पेज, 2 से ऊपर जाना ही नहीं, किसी हाल में मत जाना. और ये नहीं कि 2 से नीचे रखने के लिए फॉन्ट साइज छोटा कर दिया. हर चीज़ का प्रॉपर एक फॉन्ट साइज वगैरह होता है, सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है जीएमसीएस में. जीएमसीएस में नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, गूगल पे भर के तरीके से सर्च करो, चाहे यूट्यूब पे सर्च करो, चाहे गूगल पे सर्च करो, भर के है. तरीके से रेज्यूमे तैयार करो, तरीके से जीडी, तरीके से इंटरव्यू सबके लिए प्रिपेयर करो, और डेफिनेटली यू विल गेन अ ग्रेट जॉब. और हाँ, ये चीज़ और समझिए, ये भी अपने आप 2 महीने एनालाइज करिए कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है. से कई स्टूडेंट्स मुझसे कहते हैं कि कंसल्टेंसी में इंटरेस्ट है, तो कंसल्टेंसी के लिए आप अभी से सोचोगे कौन सी कंपनीज किस तरीके के लोगों को लेते हैं कंसल्टेंसी के लिए, तो आप सोच पाओगे. ठीक है, अब सेकंड तरीके के पर्संस कौन होते हैं, जिन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप दिया होता है, अदर ग्रुप अभी रिमेनिंग है, और तीसरा भी है जिसने आगे पढ़ना है, अभी वो भी बचा है, ये मत सोचना उनको नहीं लेके चल रहे. हाँ, फोर्थ भी है, जॉब प्रैक्टिस, पता नहीं, वो मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा कि जॉब चूज करें तो क्या चूज करें, प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, सब चीज. अभी मेरा फोकस किस पे है सिर्फ, अगर आपने बोथ ग्रुप दिए या सिंगल ग्रुप दिया, ये भी बाद में देखेंगे कि यार आगे अगर पढ़ना है तो वो भी दूसरे वीडियो में देख लेंगे. तो अगर आपने एक ही ग्रुप दिया लेट अस से, तो अब क्या है, अब आप फ्री तो हुए लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि अभी अदर ग्रुप का क्या होगा, वो भी तो देना है. अच्छा, अभी तो उसके 4 सब्जेक्ट बाकी हैं अगर फाइनल में हो तो, अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो फिर क्या करना है? बहुत आसान है, पढ़ना शुरू करना है, लेकिन कब, तुरंत नहीं करना, अराउंड 1 वीक आपको रेस्ट करना है, एकदम चिल, और उसके बाद फिर से बूस्ट होकर दोबारा लग जाना है. याद रखो,
आपकी इच्छा है क्लासेस लेना ना लेना, टोटली इट्स योर विश. मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स ने क्लासेस नहीं ली थी जितने थोड़े से भी एक्सपीरियंस टीचर्स हैं. हाँ, मैंने भी नहीं ली थी, मुझे 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने नहीं ली थी. हाँ, नहीं लगता, पता है फेस से, लेकिन ठीक है. अब जो टीचर्स एक्सपीरियंसड हैं उन्होंने नहीं ली थी, ये क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके सीए आपसे बोलते हैं ना कि हमारे टाइम पे क्लासेस नहीं थी, हम भी तो क्वालिफाई किए, तो उनकी बात सुन के आप बुरा मत मानिए, क्योंकि ये फैक्ट है. सीए तब भी डिफ़िकल्ट था, रैदर ज़्यादा डिफ़िकल्ट था आज के कंपैरिजन में. आज तो सोचिए, आपके लिए एमसीक्यू आ गया, आपके पेपर में परसेंटेज मार्क्स पासिंग परसेंटेज इतना हाई है. उस समय 1% 2% पासिंग परसेंटेज होता था, जिस समय आपके जो चार्टर्ड हैं उन लोगों ने क्वालिफाई किया था. सो आप उनसे चिढ़ क्यों रहे? वो गलत नहीं बोल रहे, वो आपको एकदम सही एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग लें. क्योंकि कई बार क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या करने लग गए हैं, कोचिंग का मतलब एक स्पून फीडिंग होने लग गए हैं. वो अपना दिमाग बंद करके बैठ जाते हैं, उन्हें चाहिए ही नहीं कि रियल लाइफ एक्सपर्ट को समझें, उन्हें बस रट्टा दे दो, समझने को ये ज़रूरत नहीं, एक चीज़ वो रटवा दो, समझा दो, ख़त्म. उन्हें कुछ देखना ही नहीं आउट ऑफ द बॉक्स. गलत है. अच्छा आप सोचो, आपके पास कोई ऐसा एम्प्लॉई आए जॉब करने के लिए जिसने कभी रियल लाइफ के बारे में सोचा ना हो, तो क्या होगा? क्या आप रखोगे उसको? नहीं रखोगे ना. ऐसा पर्सन प्रैक्टिस में सक्सेसफुल हो पाएगा? डाउटफुल है ना. तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करो, हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से एसोसिएट करना शुरू करो. दैट्स द बेसिक पर्पस ऑफ आर्टिकलशिप. और अगर आप किसी से क्लासेस लेते हैं, सेंटर पे लेते हैं, प्रेफरेबल है डेफिनेटली, क्योंकि उससे डिसिप्लिन बना रहता है. पेन ड्राइव मैं रिकमेंड नहीं करता, बहुत कम रिकमेंड करता हूँ. मैं भी देता था पेन ड्राइव. एप्लीकेशन मैं रिकमेंड करता हूँ, पेन ड्राइव मैं कम रिकमेंड करता हूँ. उसका रीज़न, जैसे एप्लीकेशन में मैं कई चीज़ें देता हूँ, जैसे मान के चलिए आपने मेरे में नया फीचर आ रहा है, मान के चलिए आपने 10 हफ्ता पढ़ाई नहीं की, तो एप्लीकेशन आपको याद दिलाएगी कि भाई साहब पढ़ लो, बड़े दिन से आप घर बैठे हो, आपने सिर्फ इतना प्रोग्रेस किया. आपको कोर्स प्रोग्रेस दिखाई देगी कि आपने इतने दिन में किया क्या है. हाँ, मस्ती नहीं. अभी तक तो हम क्या है, पेन ड्राइव में क्या होता है, ली सो गए, लेके रखी हुई है, आखिर में याद आया, अरे अब क्या है, ये सब नहीं चलेगा. एप्लीकेशन आपको बिल्कुल मम्मी पापा की तरह समझाती रहेगी, सुन ले बेटा, पढ़ ले. जब देखोगे ना बाकी लोग डिस्कशन फोरम में, बाकी डिस्कस कर रहे हैं पढ़ाई के बारे में, होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, क्वेरीज डिस्कस कर रहे हैं, शर्म आएगी. अभी क्या है, खाली होते हैं, पेन ड्राइव का चस्का लग गया, खाली बैठे रहते हैं. मन किया तो देख ली थोड़ी बहुत, फिर खाली बैठ गए, तो बैठ गए, यूट्यूब खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, 2 घंटे उसमें निकल गए, पता ही नहीं चला. यूं करते करते अरे 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला, प्रोडक्टिव आवर्स कहाँ गए. तो ऐसी चीज़ें अगर आप पेन ड्राइव में लेना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैं आपको कहूँगा उस केस में आपने क्या करना है, प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और उस पर स्टिक रहना है. प्रॉपर शेड्यूल बनाना है और यू नीड टू स्टिक टू द शेड्यूल, अदरवाइज बिलीव मी इट विल प्रूव टू बी अ डिज़ास्टर. मैं मजाक नहीं कर रहा. अरे क्या होगा, मेरी जगह किसी और से पढ़ लोगे, कहीं और पढ़ लोगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा. लेकिन पढ़ो अच्छा स्कोर करने के लिए. टीचर्स का, किसी का भी, हमारे जितने भी मेजॉरिटी टीचर्स हैं, खासकर एक्सपीरियंस वन, वो कभी भी ये नहीं सोचते कि यार किसी से कितना बेनिफिट मिल रहा है, रदर ये सोचते हैं, उनकी सबकी हैबिट ये होती है कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे देना है. इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपको यही समझाऊँगा कि अपना डिसिप्लिन तैयार करो, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में पढ़ो. अगर आप नाइट ऑल्स हो तो भी टाइम टेबल बनाओ, अर्ली राइजर्स हो तो भी टाइम टेबल बनाओ. बिल्कुल ये नहीं कि यार अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, अब थक गए, बहुत पढ़ लिया, ऊब गए, ज़िंदगी ख़त्म हो गई. तुम्हारी कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई मेरे भाई, अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई. रियल लाइफ तुम्हारी, मतलब रियल एन्जॉयमेंट की लाइफ अभी शुरू नहीं हुई. थोड़ा सा पढ़ लोगे क्या चला जाएगा यार,
लेट अस अज्यूम आपकी एज 20 है, लेट अस अज्यूम, मुझे नहीं मालूम किसी की 25 होगी, किसी की 19 होगी, किसी की 30 भी होगी, मान लेता हूँ 20 है, जिसमें से मोर देन वन थर्ड ऑफ योर लाइफ तो आप सोते हुए निकाल गए, मोर देन वन थर्ड ऑफ योर लाइफ तो आप सोते हुए निकाल गए। अब आपने सिर्फ थोड़ा सा मेहनत करनी है, एक साल मैक्सिमम, 6 महीने मैक्सिमम, वो नहीं कर रहे और घबरा रहे हो, घबराना नहीं, अच्छे से पढ़ना, एक ही ग्रुप रह गया है, खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छा स्कोर करो, दिल से पढ़ोगे तो 2 महीने में भी हो जाएगा कोर्स, 8 पेपर हो जाते हैं 2 महीने में। मैं आपको कितने रैंक होल्डर सिखाऊंगा, आप कहोगे रैंक होल्डर ब्लेस्ड हैं, नहीं दे आर नॉट ब्लेस्ड, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बहुत सारे रैंक होल्डर दिखाऊंगा जो कि मेहनत करते। मेरा यंगर ब्रदर कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में था, सुखदेव कॉलेज, शायद नाम सुना होगा आपने, 2000 की बात है या 2002 की बात है, वहाँ पे उनके जो प्रिंसिपल थे बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में, प्रोफेसर राम सिंह थे, वेरी स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, और वहाँ पे यूजली क्या होता था उस समय, अब पता नहीं आज की डेट में, जितने लोग SRCC वगैरह, मतलब लोग प्रेफर कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ करते थे ना कि SRCC वगैरह, मेजॉरिटी का ये था, कुछ लोग SRCC भी जाते थे जिन्हें आगे कॉलेज की वो वाली लाइफ देखनी है, क्योंकि ये बहुत टफ था और बहुत दूर पड़ता था, एक एंड में पड़ता था, झिलमिल कॉलोनी में छोटे सा कॉलेज टाइप बना रखा था, लेकिन उस समय की रेटिंग बहुत हाई थी, बिलीव मी। और मेरे को मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल सच्ची बात, वहाँ पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स थे कि आज पेपर है, पिछले दिन बैठ के, उस समय हैरी पॉटर चलती थी, पिछले दिन पूरी रात बैठ के हैरी पॉटर पढ़ा ली और अगले दिन पेपर है, और वो कोई अरे गहरे स्टूडेंट्स नहीं है, वो अपने अपने स्टेट के टॉपर्स हैं, CBSE के टॉपर हैं, सब अपने आप में एक यूनिक स्टूडेंट्स होते थे और ऐसे पढ़ते थे, पूरे साल मस्ती करते रहे, आखिर में एकदम जान लगा दी। आपके पास भी लास्ट है, जान लगा दो। आप में से कई लोग एवरेज होंगे, इसीलिए सोच रहे होंगे कि सर उनको तो 1 महीना 2 महीना काफ़ी था, आप 6 महीने लगाओ ना, ठीक है, अच्छा स्कोर करोगे, आई एम प्रिटी श्योर आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बस ये याद रखिए, आलस नहीं लेना, खूब दिल लगा के पढ़ना है, ये 2 महीने अच्छे से इन्वेस्ट करिए, आगे भी इन्वेस्ट करिए, ये वाला हो जाएगा ग्रुप, घबराना नहीं, ये ग्रुप हो जाएगा। विद दिस आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द डिज़ायर्ड रिजल्ट, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आपका पेपर कैसा गया, मैं तो ये चाहता हूँ जैसा भी आप रिजल्ट चाहें आपका वैसा ही रिजल्ट आए। मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नेवर मिसिंग लेटेस्ट वीडियोस।